बझोल घाटी गौशाला के लिए कुनिहार के व्यापारी खुले दिल से करते हैं सहयोग। बाबा बालकनाथ जी की झोली में बंद मुट्ठी से करते हैं सेवादान। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की विशेष खबर। कुनिहार पंचायत के बझोल घाटी में पिछले कई वर्षों से चल रहे गोधाम में कुनिहार जनपद के लोग खुले दिल से सहयोग करते हैं। गौओं का चारा हो या गौ वंश के लिए दवाई की व्यवस्था हो, गोधाम समिति कुनिहार क्षेत्र के लोगों के सहयोग से सदैव अग्रणी भूमिका में कार्य करती है। गोधाम समिति के उपाध्यक्ष ऋतु ठाकुर ने बातचीत में बताया कि गोधाम बझोल घाटी में करीब 150 गौवंश है। कुनिहार क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं सहित स्थानीय लोगों का गोधाम के लिए समय समय पर सहयोग मिलता रहता है, परंतु गौवंश के लिए कुनिहार के हर छोटे बड़े व्यापारियों का अहम सहयोग रहता है। गोधाम के स्वयंसेवी हर माह शाह तलाई से प्राप्त पोनाहारी बाबा बालकनाथ जी की पवित्र व पावन झोली को कुनिहार बाजार में हर दुकानदार के पास लेकर जाते हैं, जिसमें शहर का हर छोटा बड़ा कारोबारी बंद मुट्ठी से खुलकर दान करता है। ऋतु ठाकुर ने बताया कि गौधाम के लिए कुनिहार के हर व्यापारी द्वारा दिया गया दान हर माह गौचरणों में समर्पित रहता है व गौवंश के लिए हरा चारा, सूखा चारा, तूली के साथ साथ बीमार पशुओं के स्वास्थ्य वर्धक दवाइयों पर खर्च किया जाता है। उन्होंने सभी व्यापारी बंधुओं सहित उन सभी लोगों का आभार जताया जो कि गोधाम के करीब 150 पशुधन के लिए खान पान सहित अन्य व्यवस्थाएं करते हैं। नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री गौ माता जी की। मैं ऋतु ठाकुर, उप प्रधान गौधाम परिवार कुनिहार शहर। हमारे व्यापार मंडल कुनिहार के जितने भी छोटे बड़े व्यापारी भाई हैं, उन सभी की दहलीज पर यह बाबा जी की पावन पवित्र झोली, बाबा पौनाहारी जी सिद्ध योगी बालकनाथ जी के कंधे की यह झोली हमारे को दी गई है पुजारी जी द्वारा जोड़सी से सातलाई से। तो यह बाबा जी की पुण्य पावन झोली हर महीने व्यापार मंडल कुनिहार के सभी छोटे बड़े दुकानदार भाइयों की दहलीज पर गौ ग्रास दान इकट्ठा करने हेतु घुमाई जाती है। समस्त हमारे गौधाम परिवार के गौ भक्तों द्वारा हर महीने भरपूर आशीर्वाद हमारे व्यापारी भाइयों का इस झोली के माध्यम से हमारे को मिलता आया है, आगे भी मिलता रहेगा। इसके लिए गौधाम परिवार सभी व्यापार मंडल के जितने भी छोटे बड़े हमारे व्यापारी भाई हैं, आप सभी को नमन कोटि कोटि प्रणाम करता है, धन्यवाद आभार व्यक्त करता है आपका। हम आपको बता दें कि जो भी इसमें गौ ग्रास दान बंद मुट्ठी से लिया जाता है, जो भी धनराशि इस झोली के माध्यम से हमारे पास इकट्ठा होती है, वह प्रतिमाह गौ माता जी के श्री चरणों में भेंट की जाती है, जिसमें कि तूड़ी, चारा, हरा चारा, सूखा घास या गौ माता जी के स्वास्थ्य के रूप में यह धनराशि हम लोग लगाते हैं। एक बार पुनः आप सभी का, आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत गौधाम परिवार से जुड़ने के लिए। वह इस पावन पवित्र झोली में जो भी भगत जन बंद मुट्ठी से दान देते हैं हर महीने, विशेषकर हमारे व्यापार मंडल के छोटे बड़े सभी दुकानदार भाइयों का हृदय से गौधाम परिवार आभार धन्यवाद करता है इस पुण्य मांगलिक सेवा के लिए। जय श्री गौ माता जी की। जय श्री गौ माता जी।